गले का मंगलसूत्र खोल के दे दिया गौ माता के लिए। यह होता भीलवाड़ा का प्रेम। शायद भारत की आजादी के बाद ये पहला जागरण होगा जहां माताजी ने अपना गले का हार खोल के दिया। पहला ही जागरण है। अरे मैं तो पहली बार ही आया हूं। क्या बात है, दे दियो ना, कौन देख रही हो, देखा डियो थे भी देखा डो। बहुत बहुत धन्यवाद माता श्री जमुना देवी जी गुजर। यदि आप यहां हैं तो मंच पर आए। आज जमुना देवी जी गुजर जिन्होंने ये मंगलसूत्र दिया वो मंच पर बता रहे हैं। माता श्री जमुना देवी जी गुजर। एक गले का वह दुपट्टा लेगा। अरे भाई जी, अरे अरे करने रहे हो, अकेले छोड़कर जा रहा। हाँ रेखा जी, सरपंच साहब आ गया है। हाँ रेखा जी आप आ गया है। संसार की मोह माया को पड़पंच कहते हैं। जो काम 100% सही होता है उसे टंच कहते हैं, और जिसने सबके दिलों पर राज किया उसे रेखा जी सरपंच कहते हैं। क्या बात, आपके हाथों से इनका स्वागत। इन्होंने गले का हार खोल के दिया गौ माता के लिए। एक बार जोरदार तालियां रेखा जी के लिए और बहन जमुना जी गुजर के लिए। अब इस हार का क्या करें, उनको मत दो हार, इनको वापिस दो आप। हाँ ना, मैंने केवल मजाक किया था। ऐसे हार खुलवाएंगे तो हार खुलवा के कितने दिन गौशाला चलाएंगे। ओम डिंगड़ा किसी के गहना नहीं खुलवाता है। मैंने केवल मजाक किया था। अब मत देना माता जी, अबे मत दियो ना। हाँ अब कौन लियो, अबे दे दियो तो पाचो जमा कर लियो। लो दो तीन दिन गले में निकालो तो पाचो देवे, पाचो कौन देवे, अबे लेवे। हाँ आपने ये हार दिया, ये आपकी भावना को मैं प्रणाम करता हूं, धन्य आपके पूरे परिवार को मैं प्रणाम करता हूं। आपने तो हार दे दिया गौ माता के लिए और हमने इनका हार वापस दे दिया। कल देखो, आज तो हार ले लिया गौशाला में, काले बातें दूजी बन जावे। कटों कलाकार बुलाया, पाली जिलाऊ रात लुगाई का गहना खुला लिया। हाँ धन्यवाद। हाँ जी, क्या बात, क्या बात, और खुशी की बात। सरपंच साहब रेखा जी ने इनको हार गले में दिया, वापिस पहना दिया। इन्होंने बोला हार तो ले लूंगी लेकिन दियो आदवान वापिस नहीं लूंगी। 11,000 रुपये उसके बदले में गौशाला में दे दिए आपने, 11,000 की राशि। बात बात धन्यवाद, क्या बात। हंसते रहो, हंसते रहो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर एक जगह नहीं हंसी जा करे। हंसनो भी जगह जगह को है, ताली भी हर एक जगह नहीं बजा सका। सही है ना, हर एक जगह थोड़ी बजा सका। हा? सुनो मेरी बात, मास्टर साहब की लुगाई गिरा वजन बोला ना आओ मास्टरनी जी, क्या वहां सरपंच साहब की लुगाई आवेदन क्या आओ सरपंच साहिबा, क्या माना फौजी साहब की गराड़ी आवेदन का ही क्या वहां आओ आओ भोजन जी, सेठा की गराड़ी आवेदन के आओ, मार साहब की गराड़ी आवेदन के आओ, यार डॉक्टर साहब की गराड़ी आवेदन के आओ। डॉक्टर नहीं, यार भारतीय सरकार में डाकियों में डाकिया गराड़ी आगे दिया थोड़ी कहीं आओ डाकण। यार कोई रेल में टीटी वैन टीटी री गराली आई है दिया थोड़ी के जाओ टिटण। तो हर चीज जगह जगह मत अच्छी लागे, इस वास्ते ताली बजाने में कंजूसी मत करियो ना। जहां भी गौ भक्तों का नाम आता हुआ ताली अवश्य बजाए आप। क्या बात, क्या बात। श्री बलराम गौशाला सेवा समिति मंगरोप को स्वर्गीय श्री नारायण जी गुजर, आपके लाडले सुपुत्र रतन जी और अनंत जी गुजर, आपके लाडले सुपुत्र श्रीमान अनंत गुजर, रतन जी के बेटे हो आप, है ना, पूर्व सरपंच रतन जी के सुपुत्र हैं आप और नारायण जी का पोता है। क्या बात है। हाँ कहीं ले आओ, कता ले आओ, 100 रुपया में 3 जना और ले आओ, 3 जना गोता गया यार, 100 रुपया ले आया और ले कुरकुरा, बैठ जाओ। अरे बिजली का तार है, बैठ जाओ, बिजली को तार है, खड़ो खड़ो ना चलो चिप गयो तो।
हाँ पकड़ियो, नीचे बैठ जा। अरे कहीं हाथ लगाओ नानी के लिए, बैठ जा। बिजली को तार है, करंट है, और कपड़ा उगाड़ो की तनी को नहीं है। 100 रुपया 3 मुन्नों की ओर से, और लिया 100 रुपया मम्मी को ले आओ, और लिया, और लिया। हाँ और लिया। बोले तानसेन खाओ, ये लो 100 रुपया धन्यवाद। अरे धन्यवाद करें, आइएगा भाई साहब। प्रद्युमन सिंह जी मंच पर बता रहे हैं, गौ भक्त प्रद्युमन सिंह जी मंच पर आए। मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, आप इनका स्वागत करवाइएगा गौ भक्तों का। ये गौ माता की जोड़ी, इसको काउंट कीजिएगा, यहीं पर काउंट करो, अलग से यहीं रख दो। एक बार जोरदार तालियां गौ भक्त प्रद्युमन सिंह जी, आपकी तालियों में पावर होना चाहिए भाई साहब के लिए। बहुत बड़े गौ भक्त हैं आप, आज बहुत बड़ा धमाका करेंगे दीपावली जाने के बाद, मुझे पक्का भरोसा, क्योंकि आपके नाम का परचम अयोध्या तक गया था, पूरे विश्व में गया था। मैंने वहां पाली में सुना था कि भीलवाड़ा में ऐसे गौ भक्त है, ऐसे राम भक्त हैं, माननीय हैप्पी बना उर्फ प्रद्युमन सिंह जी। जोरदार तालियां, आपका स्वागत हो रहा है मंगरोपी पावन धरती पर। क्या बात, क्या बात! एक और नई खुशी, आज हैप्पी बना का जन्मदिन है, पूरा पंडाल हाथ खड़ा करके आशीर्वाद है इनको। माता बना आप ही आशीर्वाद है ऐसे गौ भक्तों को। आप जी हजारों साल, और मुझे बहुत बड़ा गर्व हुआ, मैंने जन्मदिन की बात अभी बोली ही थी, अभी जस्ट बोली थी, और आपने आज अपना जन्मदिन इस गौ माता की जागरण में मनाने का निर्णय लिया, धन्यवाद। ये पैसे वहां जमा कराओ, वहां पीछे, क्या बात। देखिएगा आपका जन्मदिन, आगे आइएगा और आगे आओ। आपको लगना चाहिए कि हकीकत में आज मेरा जन्मदिन गौ भक्तों के